नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सितारगंज टीवी में और मैं हूं आपके साथ प्रियंका। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। कुमाऊं विश्वविद्यालय में एनुअल एग्जाम आदि की परीक्षाएं एक साथ होने से समस्याएं बढ़ गई हैं, जिसकी वजह से कुमाऊं विवि में स्नातक फर्स्ट ईयर की परीक्षा में आउट ऑफ सिलेबस पेपर बांट दिया गया, जिसके बाद परीक्षा स्थगित हो गई। अब विवि के प्रधानाध्यापकों की इस चूक के कारण 40 परीक्षा केंद्रों के 2000 छात्रों को अब फिर से तैयारी करनी पड़ेगी। इसी के साथ ऋषिकेश में रानी पोखरी थाना क्षेत्र के गजुल ग्राम सभा के बमीत इठारना में बीती रात एक पोल्ट्री फार्म में अचानक आग लगने से काफी क्षति हुई है। आग लगने के कारण का प्रथम दृष्टया शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को पहाड़ पर आगामी विधानसभा चुनाव के चुनावी अभियान की शुरुआत करी है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की गंगोत्री सीट से कर्नल अजय कोठियाल चुनाव लड़ेंगे। ये घोषणा मनीष सिसोदिया ने उत्तरकाशी में की। ये यहां पर एक प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे। इसी के साथ उत्तराखंड में 2022 के चुनावी रोड मैप को धरातल पर उतारने के लिए देहरादून में जुटेंगे भाजपा के कई दिग्गज। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण धीरे धीरे कम होने लगा। बीते 24 घंटे में प्रदेश में 8 नए कोरोना संक्रमित मिले। वहीं एक मरीज की मौत हुई, जबकि 6 मरीजों को ठीक होने के बाद घर भेजा गया। सक्रिय मरीजों की संख्या 174 हुई। विधानसभा चुनाव 2022 को देखते हुए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा रुद्रपुर पर पहुंचकर बंगाली समाज को साथ गए। बोले, यहां बनाए धामी सरकार, फिर बंगाल भी जीत लेंगे। भाजपा सरकार के खिलाफ कांग्रेस महंगाई के मुद्दे पर हमले जारी रखेगी। पूर्व मुख्यमंत्री एवं प्रदेश कांग्रेस चुनाव अभियान समिति अध्यक्ष हरीश रावत ने कहा, पार्टी हर दिन महंगाई के मुद्दे पर पदयात्रा जारी रखेगी।